अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचंद्रं भजे। धर्म प्रेमी सज्जनों, अभी विगत दिवस हमने आपको एक एपिसोड के माध्यम से एकादशी की महिमा, पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनाई। एक प्रश्न बहुत दिनों से हमारे सामने आ रहा था कि भाई क्या कारण है एकादशी पे चावल नहीं खाए जाते, इसका क्या कारण है। तो हम आज आपको इसका कारण बताते हैं, हमारी लघु बुद्धि के अनुसार, जो जैसा कि हमने गुरुजनों से सुना है कि एकादशी पे चावल क्यों नहीं खाया जाता। पहली बात तो ये है कि चावल जो है इसमें जल तत्व ज्यादा है। आप जानते हैं कि चावल जो है पानी में ही लगाया जाता है, धान जो है बिना पानी के तो सूख ही जाती है, तो इसका जीवन तत्व जो है चावल का वो जल है। तो जल तत्व इसमें अधिक होने के कारण जल का संबंध होता है चंद्रमा चंद्रमा से। अब देखिए कहां से कहां बात को जोड़ रहा है। अब जल का संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा जो है चंद्रमा मनसो जाता से चंद्रमा का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। हमारा मन चंचल क्यों है? चंद्रमा के कारण। तो इसलिए हमारा मन जिस दिन हम व्रत करते हैं उस दिन चंद्रमा हमारे ऊपर हावी ना हो, चंद्रमा का प्रभाव अधिक ना पड़े। चावल के खाने से, जल तत्व होने से चंद्रमा जो है प्रभावी हो जाता है, और चंद्रमा के प्रभावी हो जाने से और मन चंचल होता है, और मन को स्थिर करने के लिए भगवान में लगा रहे, ज्यादा इधर उधर ना भटके। इसलिए विद्वानों ने कहा है कि भैया एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। ये तो हुई एक वैज्ञानिक बात। पौराणिक कथा भी अब यदि हम तरफ चलते हैं तो कहते हैं एक मेधा नाम के ऋषि थे। एक बार मात्र शक्ति उन पर नाराज हो गई, बहुत रुष्ट हो गई और उनको मारने के लिए दौड़ी। अब भागे ये पूरी तरह से, उन्होंने सोचा अब तो मेरी रक्षा होना बड़ा मुश्किल है। तो ये खुद भयभीत होकर के डर के मारे और खुद अपने आप को योग अग्नि से इन्होंने भस्म कर लिया। कौन ने? मेधा ऋषि ने। और जिस दिन भस्म किया था उस दिन एकादशी का दिन था, और सही हो गया है कि जब ये जहां ये इनकी भस्म थी वहां पर चावल प्रकट हुए, एक पौधा प्रकट हुआ चावल का। तो ऐसा कहा जाता कि ये जो चावल हैं ये मेधा ऋषि के हाड़ मास हैं। तो इसलिए भी हमारे यहाँ पर, और ऐसा मान करके कि ये जो तामसी भोजन हो जाएगा इसलिए इसको नहीं लिया जाता। अब देखो ना, हमारे यहाँ लहसुन के बारे में बताता है कि लहसुन जो है राहु की जूठन है, उसने अमृत पान किया था, वो उगल दिया था, तो उससे जो है जहां पर उसकी बूंद गिरी अमृत की, उसे लहसुन हुआ था। तो इसलिए लहसुन भी भोजन में भगवान के भोग नहीं लगाया जाता। तो इसी प्रकार से चावल के बारे में भी कहा जाता है कि ये चावल जो है मेधा ऋषि के हाड़ मास है, इसलिए चावल का सेवन नहीं किया जाता। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।